नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूएनएससी ने हाल ही में जो वोटिंग करी है म्यांमार के इशू को लेकर उसके बारे में। दरअसल में फर्स्ट एवर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया गया है म्यांमार से रिलेटेड। इंडिया, रशिया और चाइना तीनों ने ही इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, पर इंडिया ने इसके पहले यूएनएससी मीट में ऐसा बताया जाता है कि म्यांमार से रिलेटेड इशू पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। म्यांमार दरअसल बहुत समय पहले से ही मिलिट्री रूल के अंतर्गत था और कुछ समय पहले ही सू की गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीता था जिसे कि इनवैलिड मिलिट्री ने बताया, और इवन जो पार्टी मेंबर्स थे उन्हें डिटेन भी कर लिया, उन्हें कैप्चर भी कर लिया मिलिट्री जनता ने। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इसी पर बेस्ड था कि वायलेंस को एंड किया जाए और ऑन सैन सू की और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं गवर्नमेंट उन्हें रिलीज किया जाए। इसी पर हमारे इंडिया की तरफ से रुचिरा कंबोज जी, जो कि इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन एम्बेसडर है, उन्होंने कहा है कि म्यांमार से रिलेटेड जो इशू है उसे क्वाइटली पेशेंटली डिप्लोमेसी अप्रोच के साथ रिजॉल्व करना चाहिए। यही नहीं, ऐसा बताया जाता है कि इसके पहले इंडिया ने रोहिंग्या रेफ्यूजी से रिलेटेड जो इशू है उस पर भी अपना सपोर्ट बताया था। इंडिया ने इवन कहा था कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं बांग्लादेश में उन्हें वापस से रिहैबिलिटेट करना चाहिए म्यांमार में। हाल ही में जो ये वोटिंग करी गई इसमें 15 नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स में से 12 मेंबर्स ने वोट किया फेवर में कि हाँ रेजोल्यूशन के साथ जाना चाहिए। वहीं पर इंडिया, चाइना, रशिया तीनों ने एब्सटेन किया, इन्होंने कोई वोटिंग नहीं करी, इस पर कोई पक्ष नहीं रखा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलेगा। धन्यवाद।